फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं, ये हमें छोड़ने के लिए आए हैं, तो मिस करेंगे है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारी बस लग गई है, सामान रखा गया है और फोन लगा देना, ध्यान रखना, फालतू किसी से बात मत करना, कोई कुछ दे खाने के लिए तो बिल्कुल भी मत खाना, ठीक है। तो पूरा सफर आपको शेयर करते रहेंगे, क्या होना है, कहाँ रुकना है, कैसे होना, कहाँ जा रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। एवरीवन, अभी कुछ समय से मेरी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आपको पता था कि चीनू की शादी में मैंने पार्लर से मेकअप किया था, उसके बाद से मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाई है। तो एक दिन मैंने सचिन भैया के चैनल पर क्योर स्किन ऐप के बारे में देखा था, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, तो मैंने उनसे बात की, फिर मैंने क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड किया। सबसे पहले मैं पता करना पड़ेगा कि क्योर स्किन ऐप है क्या। क्योर स्किन एक डॉक्टर एंड डर्माकोलॉजिस्ट एप्लीकेशन है जहां पर आप घर बैठे बैठे डॉक्टरों से चैटिंग के थ्रू बात करेंगे और अपने सारे प्रॉब्लम्स जो कि जैसे बालों से रिलेटेड हुआ या फिर स्किन से या फेस से, तो आप घर बैठे चैटिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं और वहां से ही वो आपको सारे सॉल्यूशन बताएंगे चैटिंग के बाद ही। और करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस के जवाब देना है, सिंपल सा, सिर्फ और आपके स्किन का एक मतलब फोटो लिया जाएगा, आपकी स्किन को एनालिस किया जाएगा, उसको देखने के बाद डॉक्टर आपके स्किन को पूरी तरीके से देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आपका एक किट तैयार किया जाएगा और जो कि सिंपल सा, ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। नॉर्मली हम डॉक्टरों को दिखाते हैं जाते हैं तो या तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनकी फीस इतनी होती है, उसके बाद में मेडिसिन का खर्चा अलग, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको घर बैठे बैठे ही डॉक्टर से बात करने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात है 1500 के अंदर, मेरा किट भी 1500 का ही बना है तो ज्यादा खर्चा नहीं है। और टेंशन ना लें, बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा बताया गया होगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले सकते हैं। लड़का लड़की किसी भी उम्र की, बॉयज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेझिझक आप इसको यूज करना। साथ में यहाँ पर आपको 20 डेज के अंदर फॉलोअप किया जाएगा, डॉक्टर आपसे खुद से कंसल्ट करेंगे कि आपको कितना फायदा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है करके। 20 दिन के अंदर आप डॉक्टर से खुद ब खुद बात कर सकते हैं और अगर उसके बीच में आपको उनसे कंसल्ट करना हो तो भी आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चैटिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बता सकते हैं। जैसा कि मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया तो मेरी भी स्किन का एनालाइज किया गया, उसके बाद मुझे ये किट मिली है क्योर स्किन की, आप देख सकते हैं मुझे वहां से किट मिली है जिसमें मुझे मिला है ये फेस वॉश, ये हाइड्रेशन जेल जो कि मतलब गर्मियों में स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये जेल दिया गया मुझे। उसके बाद ये मिला है मुझे क्योर स्किन मिनरल सनस्क्रीन जेल, ठीक है, तो ये धूप में जाने पर यूज करना है इसको। और ये नाइट में मुझे लगाने के लिए दिया गया है एक करेक्टर एम्यूल जेल जो कि मुझे रात में यूज करना है। तो हालांकि अभी किट मिला है तो मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाई हूँ, मैंने अभी ये फेस वॉश यूज किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसको यूज करने के बाद में। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिस तरीके से मैंने किया है, सारे सवालों के जवाब देना है। अभी तो मतलब मैं स्टार्ट किया हुआ है, आगे तक मैं इसको लेकर जाऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम से नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो जैसे जैसे मेरे स्किन में इंप्रूवमेंट आता जाएगा मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी फेस वॉश यूज करने के बाद ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। तो जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों के साथ में बताती जाऊंगी, अपनी सारी जो इंप्रूवमेंट होंगे स्किन में वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप भी क्योर स्किन को ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। आप इनका चेहरा देखते ही समझ सकते हो कि मतलब हमें भेजने के मतलब इनको कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे जाने से लबके जाने से एकदम उदास हो जाते हैं। आप उनका चेहरा देख सकते हो, आवाज नहीं आ रही, बोल रहे थे तुम लोगों की याद आएगी बहुत, मैं बोल रही हूँ मेरी बात मेरी आवाज़ आ रही तो बोल रहे मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे के बिना रहने की आदत नहीं है, हम लोग सामने रहो आंखों के वो ही चलता है। क्या खा रहे हो भाई, सही खा लो
आपकी क्या नाम से? पूनम। अब यहाँ पर रुके हैं हम लोग नाश्ते के लिए, तो देख सकते हैं आप। लेकिन मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो साथ में नहीं थे ना, लव के पापा, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बोला है अब आएंगे। लव भाई उनकी फेवरेट ड्रिंक पीते हुए और मैं मेरी फेवरेट कॉफी पीते हुए, ठीक है। यहाँ पे था पहले पानी फुल्की वाला, अभी तो है नहीं। अब करवाने वाले हैं ये 400 का है, 300 का, 200-250 वाला कुछ दो। ले ले रहा हूँ मैं ये 230 का है। ये क्या है ये? मिल जाएगी। अरे भगवे भाई, तू इतना मेरे से कवर हटा दिया है इन्होंने यार। कवर नहीं हटाया, हटाया सबके। देखो पहले कवर हटा दिया तूने, वो तो डाल दिया, कचरा डाल दिया यार। मैं कौन लेगा तू साले, पूछ तो लेता पहले। क्या खुश हो रहा है तुम? दिला दूंगी मेरे को 50 रुपए का दिला। ये कितने हुए टोटल, कितने हुए दोनों के, ये इसके और इसके? ऐसे जंगली बच्चों को कहीं दुकान पे लेके खड़े नहीं होना चाहिए साले को। मैं यार भाव कर रही हूँ काजू बादाम के लिए, उसने वो पता नहीं मिंट फिंट क्या खोल ली, 315 साले। अपने ऑटो के पैसे भी कर दिए तूने, जाएंगे कैसे? दूसरी पन्नी चढ़ा लेते उस पे भैया। कंपनी का है, कंपनी का है। एक थैली तो दे दो अब, अब तो खुश होके थैली दोगे। अरे फिर हम जेब से भरना पड़ता ना, हम क्या करें? ठीक है चलो। सफर में हमें बहुत अच्छी दीदी मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा सफर बेटा है। तो फिर मिलेंगे, अब वीडियोस देखते रहिएगा आप, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय। चलो ना भाई, सामने देखो मेरे भाई लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, जो कि 50 फोन कर चुके थे कब तक आओगी कब भाई जान। बैग निकल वाला भाई जान, गाना का गाना का। साइड में जाओ, वाह 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 मेरा भाई वाह। देखो ये एक्सरसाइज चालू, उसकी बैग लेके इसको उठा के कर, इसको उठा, एक बार उठा दे जैसे इसको उठा रहा था, उठा। इधर बैठ जाओ तुम, लपको हम बिठा लेंगे। ताली बजाओ, अब बताओ ताली क्यों बजा रहे हो? आईफोन लिया, आईफोन लिया इस खुशी में, मतलब तुम्हारा बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे। और ये मेरे पापा को दिखा। चलो चलो चलो, बस 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 भाई, वेगे ये चीज मेरे पापा को बताना कि तुमने 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लिया है, तो मुझे 55,000 तक का दिला दे, ठीक है। देखो भी देखो देखो, मैं तो थैंक यू मैं हूँ मालिक, 20 का ही दिलवा देना मेरे को तो। चलो चलो चलो, तो पहुंच गए हम देवास नगरी। कौन सी नगरी बोलते हैं? वीडियो बनाया करो, अपलोड मत किया करो। चामुंडा की नगरी देवास में। एक महीने पहले वीडियो बनाई डाली। क्या बोल रहा फिर से बोल। बस वीडियो बनाया करो, अपलोड मत किया करो। बस वीडियो बनाया करो, अपलोड मत किया करो। सिर्फ बनाती हो क्या? हम आ गए, डालती वालती नहीं हो, बस बनाती हो। फाइनली हम पहुंच गए हमारे घर में। अंकिता लाइट तो खोल यार, बहुत अंधेरा आ रहा है। और इतनी खतरनाक हवा चल रही है कि क्या बताएं। तो देखो इंतजार कुछ इस तरह हो रहा था। भाभी ने याद दिलाया कि भाभी आज दीदी व्लॉग नहीं बनाऊंगी। व्लॉग तो बना लो कि मैं पहुंच गई। तो अब हम पहुंच गए हैं। अब क्या होता है आगे आपको बताया तो रहेंगे। क्या कर रहा है? तूने खाना नहीं खाया इतनी देर? किसी ने भी खाना नहीं खाया? वाह यार इतना प्यार करते हो, दाल बाफले, वाह यार इतना छनक, इतना अच्छा खाना। हमारे पड़ोसी ने भी खाया। सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊंगी तभी साथ में खाएंगे। तो अब खाना निकाला जा रहा है। पीहू आपने खाना खाया? आपने खाना खाया? आप भी इंतजार कर रहे थे? ये मम्मी भी इंतजार कर रही थी। हाँ पापा, पापा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया?
सभी लोग इंतजार कर रहे थे मेरा। ये मेरी मम्मी है, देखो अभी उन्होंने बनवाए उनके लिए कड़े, ये मंगलसूत्र उनकी शुरू से आदत है। जब तक मैं कोई चीज पहनती नहीं हूँ ना, तब तक वो खुद नहीं पहनती, पहले मुझे पहनाती है उसके बाद वो खुद पहनती है। आप देखो कितने सुंदर है, ऐसी होती है माँ। माँ का फोटो दिखाने जा रहा है टीवी पे, ये है पीहू, इसका फोटो आएगा अब टीवी पे, हम टीवी पे देखेंगे। करे स्टार्ट, करे बड़े करके दिखा स्क्रीन। ओ गिरी।